किशनगढ़ से। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु की जय। जय सीताराम। बोलिए किसकी अर्जी लेकर आई हैं? मेरे हस्बैंड की। क्या हो गया है? वो चल फिर नहीं सकते हैं, 25 साल से है ना असाध्य रोग से ग्रसित है। डॉक्टरों को दिखवाया? डॉक्टरों को दिखवा लिया, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, और कोई बात? घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कहना पड़ो अनबन है। सुन्नपन शिथिलता कमर से नीचे व पूरे शरीर में नस दबी हुई गांठों की समस्या पति को बन गई, उठ बैठ नहीं पाते। 30% लाभ मंत्र चिकित्सा से लगेगा, डॉक्टरी सलाह में आराम नहीं लगता। नाग शक्तियों का वास है घर पर, कलेश भी शांत हो जावेगा, आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद चाहिए मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब। ये एकदम सही है पर्चा? हाँ बिल्कुल बराबर। हाँ बिल्कुल सही है। वो ना धो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाते, बिल्कुल ऑन बेड हो चुके हैं। ये देख लो, गुरुदेव बच्चे की नौकरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए बस, आशीर्वाद है। इसी में एक मंत्र लिखा हमने नीचे में, उसी मंत्र की एक माला करके दोनों हाथ मलकर पूरे शरीर में आपको रोज प्रयोग करना है, बाकी हम उपाय कर देवेंगे, आशीर्वाद। और गुरुदेव बिजनेस वगैरह जय जय हो जाएगी। साधु जी, जिनको भी प्रेत बाधा है वो जा सकते हैं, शनिवार के दिन आपको पहुंचना है बागेश्वर धाम, परपेत्रा सरकार का दरबार लगता है। प्रेत बाधा जिनको भी नेगेटिव एनर्जी है वो जा सकते हैं, उनका दरबार पेत्रा सरकार का दरबार ब्राह्म हो चुका है। प्रेत बाधा के जो भी भक्त हैं वो जा सकते हैं, आपको शनिवार के दिन बागेश्वर धाम पहुंचना है, पेत्रा सरकार का दरबार लगता है, दरबार में आपको पहुंचना है। गंभीर मरीज हैं वो क्रमशः एक एक करके लाइन में आकर के भभूति प्राप्त करके, और आपको भी गंभीर मरीज को यहाँ रुकना नहीं है, आपको भी अपने घर की ओर प्रस्थान करना है। जो भक्त खड़े हुए हैं उनसे बिना मांग रहे हैं कि आप बैठ जाएं अपने स्थान पर। 3 बजे से आज की कथा प्रारंभ होगी, ठीक 30 मिनट बाद आज की तृतीय दिवस की कथा हम आप सभी स्मरण करेंगे। पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जो भी सामग्री आप लाए हैं तो सेवादार को आप सामग्री दे दें, गुरुदेव भगवान के पास पहुंच जाएगी। प्रेत बाधा जिनको भी है वो जा सकते हैं, पेता सरकार का दरबार ब्राह्म हो चुका है, वो जा सकते हैं। जिनको भी प्रेत बाधा है वो जा सकते हैं। आप जो भी सामग्री लाए हैं गुरुदेव भगवान के लिए वो आप सेवादार को दे दें। जो गंभीर मरीज हैं केवल वही क्रमशः के करके लाइन में आकर के आप भभूति आपको लेते हुए घर की ओर प्रस्थान करना है। जिनको प्रेत बाधा है और जिन गंभीर मरीज जो हैं, गंभीर मरीज के जो पेशेंट हैं वो और प्रेत बाधा के जो भी भक्त हैं वो घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं।
सीताराम। जो टेंट वाले भैया हैं उनसे भी आग्रह है कि वो आ जाएं। सभी से बिना आग्रह है कि आपको यहां पहली वाली जो डी है, कैमरे की डी है, वहां पर नहीं आना है। बिना आग्रह है आपको, प्लीज यहां नहीं आना है। आपको यहां से रास्ता करना है, निकालना है। कैसे निकलेंगे? जो गंभीर मरीज है उनको यहां से निकालना है। प्लीज आप पहले यहां से खाली कर दें, उनको हम अभी विभूति दिला देते हैं। आप पहले खाली कर दें प्लीज। प्रेत बाधा के जो हैं, हाँ आप प्लीज प्लीज, प्रेत बाधा जिनको भी है वो आप घर को जा सकते हैं। आ जाइए, ये खाली कर दें, ये खाली कर दें। प्रेत बाधा आप, प्रेत बाधा अब जिनको भी प्रेत बाधा है अब वो जा सकते हैं। पेता सरकार का दरबार विराम हो चुका है, वो आप थोड़ा वहां बैठिए, फिर इसका विभूति पहुंचा दें प्लीज। भभूति आपको बागेश्वर धाम आना पड़ेगा, आपको बागेश्वर धाम। आ जाइए बाहर, आ जाइए बाहर, आ जाइए। प्रेत बाधा नेगेटिव, बाहर आ जाइए प्लीज। ये खाली कर दीजिए, यहां से निकलना है, जगह कर दीजिए। बिना आग्रह है आपसे थोड़ा, बहने आ जाएं सेवा में, जो बहने हैं वो आकर के थोड़ा व्यवस्था बना दे। ये खाली कर दें, प्रेत बाधा है। माताएं आप आ जाएं, माताएं आप लोग वापस आ जाएं। ये खाली कर दें, आप लोग आ जाएं, खाली कर दें आप लोग प्लीज। आप लोग खाली कर दें, व्यवस्था बनाना है, पुलिस प्रशासन का सहयोग कीजिए। आप खाली कर दें, यहां से लोगों को निकलना है ना, गंभीर मरीज है उनको निकलना है। प्लीज खाली कर दें, व्यवस्था बनाए, यहां से आप खाली कर दें, और जिससे कि जो गंभीर मरीज है वो निकल पाए। हाँ, जो भी आप सामग्री लेकर आए हैं गुरुदेव भगवान के लिए वो आप सेवादार को दे दें। आपकी सामग्री उपहार गुरुदेव भगवान के पास पहुंच जाएगा, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। प्लीज खाली कर दें, माताएं बहने थोड़ा सा रास्ता दे दें निकलने के लिए। खाली कर दें, यहां से सहयोग करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। जो आगे की ये डी है जहां कैमरा मैन है और ये डी है, इसको आप खाली कर दें, यहां रास्ता बना दें। यहां ये डी पूरी खाली करना है, क्योंकि कथा की भी तैयारी होना है, तो इसको खाली करना है डी को। यहां से अब किसी को प्रवेश ना कराएं, जो गंभीर मरीज के पेशेंट हैं वो आ चुके हैं। आप लोग को लाइन में नहीं लगना है, जो गंभीर मरीज है केवल उनको ही प्रवेश कराएं। सैलू सैलू भैया, जो गंभीर मरीज है केवल उनको ही, क्यों में केवल गंभीर मरीज है उनको ही प्रवेश कराना है, सभी को नहीं आना है। केवल जो गंभीर मरीज है वही लाइन में क्रम से आएंगे, बाकी नहीं, बाकी सभी लोग साइड में हो जाएं। जो इसमें गंभीर मरीज नहीं है वो लाइन से आप साइड में हो जाएं।
दोनों साइड से किसी को प्रवेश ना कराएं, जो गंभीर मरीज थे वो आ चुके हैं, किसी को प्रवेश ना कराएं, जो गंभीर मरीज थे वो आ चुके हैं, दोनों साइड से किसी को प्रवेश ना कराएं, आप लोग भी निकलते जाएं। दोनों साइड से किसी को प्रवेश ना कराएं, गंभीर मरीज सभी आ चुके हैं। ये वाली जो डी है, कैमरे की बाहर की डी है, पूरी डी खाली करना है, क्योंकि अभी कथा की तैयारी होना है, तो इसको भी आपको प्लीज खाली करना है। बिना आपसे निवेदन है किस डी को भी खाली करना है, केवल पत्रकार बंधु जो है हमारे भाई हैं वो बस रुकेंगे एसडी में, बाकी सभी को एसडी को खाली करना है। बस हो गए हैं, हाँ दो लोग और बचे हैं, बाकी रोक दीजिए, बाकी रोक दीजिए। गंभीर मरीज हो चुके हैं, अब रोक दीजिए। पत्रकार हमारे जो भाई हैं, पत्रकार बंधु, वो एक एक करके आ जाएं। केवल पत्रकार आप एक जन खड़े हो जाएं, एक जन खड़े हो जाएं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं केवल उनको ही। आप एक जन खड़े हो जाएं और आप बता दीजिए कौन है आपकी टीम में, यहाँ खड़े हो जाएं। सीताराम थोड़ा पीछे खड़े हो जाएं, अब लाइन से खड़े हो जाएंगे एक साथ, तो गुरुदेव आप सभी यहीं बैठ जाइए। आप सभी यहां बैठ जाइए, भैया आप प्लीज यहां बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए।